तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी जा रहे हैं हम पौड़ी और मेरे साथ आकाश भाई, तो देख सकते हो। तो ये है हमारे आकाश भाई। तो अभी चलेंगे हम, फिलहाल पौड़ी जा रहे हैं और पौड़ी में आज मिलने वाले हैं मेरे को नए नए चेहरे और नए नए आपको भी मिलेंगे नए नए चेहरे देखने को। तो क्योंकि आज कुछ दोस्त लोग आ रहे हैं, फ़ोन तो किया था पर जब आएंगे तो तब की बात है, नहीं आए तो अलग बात है, पर फ़ोन में बताया था उन्होंने कि आ रहे हैं तो उनसे भी मुलाकात करवाऊंगा और जाएंगे इधर उधर भटकेंगे पौड़ी में, क्योंकि आप पता नहीं आज के बाद कब जाऊंगा पौड़ी फिर तो इसलिए थोड़ा पौड़ी घूम के आते हैं। और बने रहना ब्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अभी कल भी गए थे हम वहाँ भैरवगढ़ी लैंस डाउन, तो आपने देखा ही होगा। तो गाँव का ब्लॉग थोड़ा लेट में आएगा क्योंकि अभी गांव में मैं आज पौड़ी चला गया हूं, तो गांव मेरे को मतलब एक्सप्लोर होगा कल होगा फिर। तो अगली वीडियो आएगी वो गांव की एक्सप्लोरिंग वाली आएगी। तो कोई बात नहीं, बने रहना ब्लॉग में, आपको नए नए ब्लॉग, नए नए तरीके के, नए नए लेवल के ब्लॉग देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और चलते हैं, अभी रुके हैं हम थोड़े रास्ते में, मैंने बोला कि ब्लॉग शुरू कर लेते हैं तो चलते हैं फिलहाल, अभी तब बताएंगे आपको थोड़ा थोड़ा। चेक दिस आउट गाइस, ये देख सकते हो क्या मस्त हिमालय दिख रहा है, क्योंकि आज भी आसमान क्लियर है एकदम से। और हमारे बुआ खाल से तो बहुत मतलब पौड़ी से तो नज़दीकी है, जैसे हम कल देख रहे थे दूरबीन में तो हमको वहाँ से दिखा रहा था 100 किलोमीटर दूर से दिखा रहा था, और हम 100 किलोमीटर नज़दीक से देख रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। और ये है लॉली गगवाड़ सिंह घाटी की लोकेशन, ये है गगवाड़ सिंह घाटी। और हम इधर आए थे थोड़ा बैठने के लिए, धूप सेकने के लिए, क्योंकि उधर लग गया हमको पौड़ी में ठंडा। तो अभी चलते हैं यहाँ से भी आगे आगे। तो दोस्तों अभी पहुँच चुके हम सर्किट हाउस के अंबर कैफे में। वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा लेकिन कई लोगों को नहीं पता है, उन्होंने फ़ोटो देख रखी होगी बैकग्राउंड के पीछे की, देख सकते हो। तो कई लोग आते हैं यहाँ पे मतलब फ़ोटो खिंचवाने के लिए स्पेशली, और ऐसे खाने के लिए कैफ़े है यहाँ पे, फास्ट फूड पूरा फास्ट फूड मिल जाता है आपको, अवेलेबल है। तो अभी ले जाएंगे आपको अंदर मतलब किचन में दिखाएंगे आपको, और भाई जी से मुलाकात करवाएंगे। तो देख सकते हो अभी दिखाता हूँ मैं आपको एक बार लोकेशन, बहुत प्यारी लोकेशन है यहाँ से, तो एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पर, और क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आएँ और फास्ट फूड का आनंद लिए और यहाँ पे फ़ोटो शूट भी करें, मतलब बहुत अलग लेवल की लोकेशन है, दिखाता हूँ मैं आपको। और ये बैठने के लिए बना रखे हैं अंदर, मतलब कमरे हैं कांच के, खाना मतलब खाने के लिए है ये। और ये देख सकते हो लोकेशन कितनी प्यारी लोकेशन, और यहाँ से श्रीनगर भी दिख रहा है नीचे, यहाँ पर है श्रीनगर। और ये सर्किट हाउस में, सर्किट हाउस से थोड़ा सा मतलब 500 मीटर आगे, और ये देख सकते हो ये है, और इधर है इनका किचन भाई लोगों का। तो यहाँ पे जाएंगे अभी थोड़ा, हम खा रहे हैं अभी थुप्पा मतलब। और ये देख सकते हो बैठने के लिए भी काफी खुली जगह है एकदम मस्त। तो दोस्तों ये भेजी हमारे पड़ोसी गांव के हैं, रचली गांव के, और काफी अच्छा कैफे है इनका, मजा आ गया खाने में। तो एक बार जरूर आए आप लोग भी यहाँ पे और देख सकते हो। चेक दिस आउट गाइस, ये मिल चुके हैं हमको हमारे मित्रगण, और ये हमारे रजत भाई और अपने भाई हमारे देख सकते हो, राइडर आ रखे हैं हम पूरे श्रीनगर के और बॉडी के, अभी मिलाएंगे आप एक एक करके सबके साथ। ये हमारा रजत, और ये हमारे एक भाई और हैं, चल चल। चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट और यू
उसके बाद राइडर निकल चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे बन रही है रील, ये राजा तो हो चुका है पागल, रील का भूत है इसमें भी। और ये हमारे भाई भी लगे हुए हैं, अगर कुछ इधर है फोटो शूट कर रहे हैं तो कुछ इधर रील बना रहे हैं। लगे हम पैदल पैदल क्योंकि हमारा चालन कट गया और गाड़ी भी सीज हो गई हमारी। और आकाश भाई यहाँ पे रो रहे हैं। तो उन्होंने हमसे पैसे मांगे, पैसे हमने दिए नहीं, तो हमारे पास पैसे थे नहीं इतने कि हम गाड़ी चढ़ा सकते। तो हमने बोला गाड़ी ले जाओ तुम, तो हम आ जाएंगे, हमने कहा पैदल पैदल चले जाएंगे हम, आएंगे। तो इसलिए हम गाड़ी छोड़ दी हमने वहीं और हम लगे हैं पैदल पैदल रास्ते में। बुआ खाल के नीचे पहुंच चुके हैं फिलहाल। तो अभी दोस्तों ये ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि हम मूड ऑफ हो चुका है, ब्लॉग नहीं बनाने हैं। हमारी गाड़ी फंस चुकी है, अब गाड़ी निकालने जाना पड़ेगा अगले दिन।